अगर आप बेहतरीन वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना न भूलें। रविंद्र कोशिश आर्ट की प्रस्तुति। देखिए सबसे पहले हम जो है अपना अंदर खींचेंगे, जितना हमारा भ्रमण मतलब भौरा, भौरे की आवाज में ठीक है बोलते हुए सांस को बाहर निकालेंगे। जैसे देखिए वही क्रिया हम नाक से नसिका से सांस को अंदर लें, दोनों नसिकाओं से सांस को लेंगे, हथेलियां आपकी, फिर पुनः वही क्रिया क्या को दबाइए, मतलब एक नाक से आपको सांस को अंदर खींचना है, दूसरी नसिका से श्वास को बाहर निकालना। आप बता लीजिए ठीक है। आप बढ़िया से वर्क कर पाएंगे है? कुछ आसन भी दिए हुए हैं और फेस बनाना, तो फेस में आँख कैसे बनता है, कान कैसे बनता है, नाक कैसे बनता है, फिर मुंह कैसे बनता है, बाल कैसे बनता है, हाथ कैसे, देखिए कपड़े से तो यह है और फेस दिख रहा है, बस इतने दिख रहा है, बाकी का तो हम कपड़ा पहना दिए, ऐसे ऐसे करके कुछ पहना देंगे आप। जो सूत्र होता है वैसे कला में भी सूत्र होता है, उस सूत्र को समझना है, एक बार जो समझ लिया उस सूत्र को जिंदगी भर रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी चीज को आप बनाएंगे एकदम परफेक्ट बनाएंगे, आप खुद विश्वास नहीं कर पाएंगे कि हम इतना परफेक्ट बना लिए, लेकिन बनाया आपने है तो मानना तो पड़ेगा आपको। आकार बताइए कौन सा आकार बनाइए, अंडा आकार है ना ठीक है, तो हम जितना बेहतर अंडा बनाएंगे उतना बेहतर जो है हम फेस बना सकते हैं ठीक है। हम इसका और इसका आधा करेंगे तो ये आधा बन रहा है, आँख जो बीचों बीच जो है आँख जो है ये लाइन आती है इसके, तो इसका और इसका आधा करेंगे ना, ये नाप लेंगे थोड़ा बहुत 19-20 होगा हमारा थोड़ा होगा, लेकिन हमको लग रहा है परफेक्ट होगा। फिर उसके बाद अब इसको देखिए, अब ये है आँख और इसका आधा जब करेंगे तो नाक जो होता है नाक का निचला हिस्सा वहां पर बनता है, इसका और इसका जब आधा किया देखिए नाप लीजिए ये बन गया। अब क्या बचा है हमारा लंबाई में, लंबाई में अब ये बाल बचा है, बाल को नापना अपने पंखों, अब ये वाला हिस्सा और ये इसका जब आधा करेंगे तो ये बाल जहाँ से स्टार्ट होता है वो हिस्सा पड़ जाता है, ये यहाँ से और यहाँ का आधा जब करेंगे ये कितने भाग हो गए, चार भाग। हम जो है लंबाई का चार भाग कर दिए, इस लाइन पे क्या है, इस लाइन पे आँख है, इस लाइन पे नाक का निचला हिस्सा, अब चौड़ाई का हमको करना है चार हिस्सा, देखिएगा ये हुआ, इसका जब आधा करेंगे तो नाक बीचों बीच आती है, एकदम नाक बीचों बीच आती है, इसका इसका आधा किए ये बीचों बीच आपका जो है नाक बन गया इस रेखा पे। अब जब ये नाक और इसका आधा करेंगे तो जो आँख का ये लास्ट किनारा होता है वो आता है, यहाँ से यहाँ का आधा करेंगे तो ना ये बन गया, तो अब इसमें क्या है जो इधर रहेगा नाप वो वही नाप इधर भी रहेगा क्योंकि आप इधर भी है ठीक है। अब कितना हिस्सा बन गया इधर से, कितना हिस्सा इधर से, चार।
चार इधर से चार इधर से हो गया, ठीक है। अब हम लोग को ये नाप हम लोग को एक जनरली मालूम हो गई कि हम लोग कितना क्या चीज बनाना है। अब इतना दूर में हमको नाक अरे आँख बना लेना है, लेकिन अब आँख जो है आँख के बीच में नाक का भी हिस्सा है, उसको नाप कर छोड़ना होगा। तो पहले देखते हैं जितना बड़ा ये आँख है हमारा उतना ही बड़ा जो है ये नाक के लिए स्पेस छूटा हुआ है दोनों आँख के बीच में, देखिएगा ना। तो अब हमको क्या करना है, इस नाप से लेकर के इस नाप को तीन भागों में बांट देना है, तीन बराबर भागों में। तो अंदाजा से बांट लेते हैं ये है। अब हमको इतने में आँख बन जाना है, इतने में ये आँख बन जाना है, इतने में ये नाक का जगह। तो अब इसको हम थोड़ा थोड़ा जो है ये यहाँ तक आ जाएगा है। अब नाक बनाने के लिए पहले उससे पहले अब हमको बरौनी भी ले जानी है, बरौनी के लिए भी जगह लेना है। अब इस लंबाई को तीन भाग देना है, यहाँ से लेकर के इसका जब तीन हिस्सा देंगे तीसरा हिस्सा बरौनी बनती है। देखिए इस पर तीन हिस्सा लगाइए, ये इस लाइन में हमारी आईब्रो बनेगी। अगर लड़कियों का है तो ये गोला बनेगा, अगर लड़कों का है ये करके ऐसे बनेगा, मतलब ये अब ये इसमें भराएगा तो ये अपने आप पता नहीं चलेगा। ये हो गया, अब हम लोग आग बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए देखिएगा अभी धीरे धीरे ही देखिए बनता क्या बनता चला जाएगा। अब आईब्रो हम लोग बनाएंगे, ये हो गया ठीक है। अब जो है हमको क्या बनाना है, नाक ये यहां से उठाएंगे, यहां से हटाएंगे, फिर उसके बाद बाहर निकालेंगे। देखिएगा ये हल्की लाइन चलेगी ये या, फिर उसके बाद ये लाइन इस पे है ही, ये लाइन इस पे है। देखिए नाक बन गया ना। अब क्या बनाना है हमें, अब देखिए मुंह की भी लंबाई चौड़ाई है, ये इतना दूर तक जा रहा है, काली पुतली के सामने तक ये मुंह बनता है। अब लेकिन हमें तो चौड़ाई पता चल गई, लंबाई अभी नहीं पता चला, और कहाँ से बनाना है, यहाँ मुंह स्टार्ट बनाना है या यहाँ बनाना भी पता नहीं है। तो जब इसका और इसका आधा करेंगे, इसका और इसका जब आधा करेंगे तो ये निचला ठुड्डी पड़ता है ये होठ का, इसका और इसका जब आधा करेंगे ये आ गया। फिर जब अब तो ये पता चल गया निचला हिस्सा, लेकिन ये होठ की मोटाई हमें नहीं पता चली। तो जब इसका और इसका फिर आधा करेंगे तो होठ की मोटाई पता चल जाएगी, ये हो गया आप लोगों का। अब जो है क्या बनाना, कान, कान देखिएगा, कान यहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ तक जा रही है, ये वाला हिस्सा देखिए कहाँ तक आ रही है, ये वाला हिस्सा आँख के सामने वाले लाइन से स्टार्ट हो रही है, ये बरौनी के ऊपर वाले जो बरौनी वाली लाइन दी है ये इस लाइन को छूने वाली है, छूते हुए फिर जो है नीचे आ रही है कान के बराबर ये वाला। अब देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको, ये फिर ये ऐसे हो गया, फिर ये ये हो गया ठीक है। अब हम जो है इसको ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, इसमें भी डबल लाइन कर देंगे, ऐसे कर देंगे। बाल अगर लड़की का है तो बीचों बीच ऐसे होगा, या लड़कियां भी आजकल साइड से ब्रीडिंग ना होती है बीचों बीच, इसके सामने से ही हम लोग फाड़ते हैं अधिकांश।
अब उसके बाद ये देखिए बाल ऊपर थोड़ा सा ये हो गया। अब ये वाली लाइन, ये वाली लाइन जो सीधे इसी का ठीक सामने देखिए गर्दन है, देखिएगा इसी का ठीक सामने है। कुछ नहीं करना है, बस इसको ऐसे कर देना है, इसको ऐसे कर देना है। उसके बाद क्या करना है, इनको प्राकृतिक चित्रण होता है, इनके लिए ऐसे ही बनाया था। हाथ का खुद दिखा दीजिए, चल रहा है रास्ते। अब इसी में जो हमारे ये सुराही बना है आपको ना, कुछ नहीं है ये ना, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, फिर उसके बाद ये कर लीजिए। चित्र बनेगा तो आपका देना पड़ेगा ना, सुराही कैसे गई अंदर।